तो सुन काजल अगवानी, जिसके लिए तू लोयल है वही जाओ, भाई के बारे में लन फन बोलबे धांस दबू अंदर तक ले। तोरा ना पूरा खानदान के हम लोग इज्जत को छाल दो, क्या पूरा खानदान मिलकर ना खेसारी लाल यादव को नोची हो थरिया में खिया, वही थरिया में छेद कर दिया। तो बेटर होगा ना कि संस्कार के बात मत बतियो, ठीक है? तू मौत मांग रही है, तुम इसको सच्चा प्यार बोलती है, तू घंटा सच्चा प्यार की थी, तू सिर्फ पैसा के लिए प्यार की थी, सब मिल के ना मेरा भाई को नोच नोच के खाई हो, तुम्हारा बाप मतारी जो भी पूरा खानदान है ना सबने नोच नोच के खाया, उनके साथ रहते हो भी तुम, कई लोगों के साथ रिलेशन में थी, खोल दे तुम्हारा चिट्ठा, सब खोल देंगे, जिससे मेरा भाई का सबसे ज्यादा कैट फाइटिंग कंट्रोवर्सी भोजपुरी इंडस्ट्री में रहा है प्रदीप पांडे चिंटू और राजकुमार और पांडे से, तुम उसके साथ महीनों महीनों दिन नेपाल में जाके चिंटू पांडे के साथ तुम। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मिस सन ऑफ हिंदुस्तान हुई होगा, मित्रों आप लोग अच्छे होंगे, मित्र सुन रहे थे नेशनल मीडिया पे क्या बोल रही काजल अग्रवाल, प्यार के तो परिभाषा बदल दी भाई, हम लोग तो जानते थे कि प्यार, तो जानते भाई कि प्यार जो सच्चा होता है उसको दिल से निभाया जाता है, हम भले कितने दुख में रहे लेकिन मेरा जो प्यार है ना वो हमेशा हंसते रहे मुस्कुराते रहे और अपने लाइफ में खुश रहे। क्या बोल रही है कि हमने उससे सच्चा प्यार किया था, तू कैसे प्यार सच्चा कर सकती है तू रे? अगर तू सच्चा प्यार करती तो उनके मौत के लिए तो दुआ मांगती होगी छठिया मैया से, जबकि तू ऑलरेडी जान रही है कि तुम्हारे लाइफ से वो बिल्कुल अलग है व्यक्ति, उसके लाइफ में उनकी वाइफ है, बच्चा है, बच्ची है, उस व्यक्ति की तुम मौत मांग रही है, तुम इसको सच्चा प्यार बोलती है, तू घंटा सच्चा प्यार की थी, तू सिर्फ पैसा के लिए प्यार की थी, सब मिल के ना मेरा भाई को नोच नोच के खाई हो, तुम्हारा बाप मतारी जो भी पूरा खानदान है ना सबने नोच नोच के खाया, और पूरा तमाम सोशल मीडिया पर जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन है ना या जितने भी पब्लिक है ना सभी लोग ने देखा है कि किस तरह से तुम मेरे भाई को यूज की और खाई, इसको प्यार करती हो। आज खेसारी लाल यादव को तुम नोच नहीं पा रही हो, दो पैसा नहीं निकाल पा रही हो, तो तुम उसके मौत की दुआ मांग रही हो, इसको तुम सच्चा प्यार करती हो, उनके साथ रहते हो भी तुम, कई लोगों के साथ रिलेशन में थी, खोल दे तुम्हारा चिट्ठा, सब खोल देंगे, उनके साथ रहते हुए तुम कई लोगों के साथ रिलेशन में थी और तुम कहती हो सच्चा प्यार, जिसे मेरा भाई नफरत करता था चिंटू से, मेरा भाई के सबसे ज्यादा कैट फाइटिंग कंट्रोवर्सी भोजपुरी इंडस्ट्री में रहा है प्रदीप पांडे चिंटू और राजकुमार और पांडे से, तुम उसके साथ महीनों महीनों दिन नेपाल में जाके चिंटू पांडे के साथ तुम करती थी उसके सेट पर, क्या करती थी रे? संस्कारिक बनती है तुम, खत्म और गिरी हुई लड़की, लिच्चर, प्यार बोलती हो तू, प्यार कभी की रे? प्यार तू करती तो उनके दुश्मन के साथ तुम जाके वहां पर महीनों दिन तुम गुजारती ना, वहां तुम्हारा फिल्म का शूटिंग था ना कुछ था, अब महीनों महीनों दिन तुमको प्रदीप पांडे चिंटू के साथ तुम रहती थी, और तुमको लतियाता भी था, कोई भी लतियाएगा भाई, जिसका मन भर जाएगा वो लतियाबे करेगा, लेकिन तू इतनी गिरी हुई थी फिर भी वहां पड़ल रहती थी, न जाने कितना डायरेक्टर कितना नाम धरेंगे ना तो तुम्हारा गर्मी सारा छोड़ा देंगे, यहां से लेकर गुजरात तक सारा लिस्ट आ चुका तुम्हारा, इसलिए कह रहे हैं अपना औकात मत भूलो, जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे भाई की लाइफ में नहीं हो, मेरा भाई अपने लाइफ में मस्त है, रोज मूवी कर रहा है, शूटिंग कर रहा है नेशनल टीवी पर, तो उसे क्या हो जाएगा तुमको, लोग जानता है कि खेसारी लाल यादव क्या है नहीं है, और तू क्या है ना, तू कितनी हुई गिरी हुई महिला है वो सारा लोग जान गया, तुमने स्वयं सर्टिफिकेट दे दिया कि काजल अगवानी हम है बहुत बड़ी गिरी हुई और लिच्चर लड़की है, लड़की नहीं सॉरी महिला है, क्योंकि तुम तो भैंसी हो गई हो, मोटी भैंस, तो तुम महिला की गिनती में आती हो और मूवी भी वैसे ही करती हो, चूंकि अब 40 वर्ष की हो गई तो तू और औरतें ना हो जी, महिले ना हो तुम, लड़की थोड़े हो, मॉडल थोड़े हो, और मूवी भी उसी करती हो 4 बच्चा के माई वाली, तो ये कौन प्यार था रे? के एक के साथ में रिलेशन में रहते हुए तुम कह रही हो कि वो लोयल नहीं था, तो तू लोयल थी, वो तो लोयल था और इतना लोयल है ना कि आज भी तुम्हारे लिए ना एक शब्द अब शब्द नहीं बोला है, जबकि तुमने भी कुछ नहीं बोला मेरा भाई, इसको तुम बोलती हो प्यार, उसको प्यार नहीं कहते, तुमने उनके साथ धंधा किया था ये जानते हुए ना, वो शादीशुदा मर्द है, उसके लाइफ में उसके बीवी है, बच्चा है, बच्ची है, उसके बावजूद तुम उनके अगर लाइफ में आई ना तो तुम समझो कि तुम उनके साथ बिजनेस की, प्यार कैसे हो सकता भाई ये बताओ। सेट पर बहुत सारे टेक्नीशियन रहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, बहुत सारा बॉय रहते हैं, उन लोग से तुमको प्यार नहीं होता है? उन लोग से भी प्यार करके देखती खेसारी लाल यादव, इसलिए तुम प्यार की ना, उसके पास पावर था, पैसा था, स्टारडम था और तुमको वो चीज चाहिए था, बड़का तू भौकाल बना रही हो कि यहाँ आने से पहले हम स्टार थे, थोड़ा कुत्ता चिंता था रे गुजरात में चाहे कहीं भी, यहाँ तुम्हें खेसारी लाल यादव पहचान दिया तब आज इतना तुम भौकाल बना के घूम रही हो, और फिर से तुम नथिंग बट जीरो हो गई, थोड़ा कुत्ता नहीं अब लगाएगा, नहीं विश्वास है तो कभी आओ बिहार में, प्रोग्राम करो चाहे कुछ भी करो, एक आदमी थोड़ा पीछे नहीं सपोर्ट करेगा, जहाँ से तुम शुरू की थी ना करियर अपना फिर तुम वहीं चली गई, इसी को कहते हैं कि नाश मनुष्य पर छाता है ना पहले तो बुद्धि विवेक तीनों मर जाता है, तो तुम्हारा तीनों का तुम्हारा तो पूरे खत्म हो गया, और कैसे तुम्हारा घर वाला तुम्हारे
तुमको तुम्हारी बातों के अप्रिसिएट करता है, समझता नहीं है तुम्हारे घर वालों को भी परिवार, जो कल तक तुम मजा मारती थी सारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा रहता था, आज उसी व्यक्ति को तुम इतना मतलब लंद फंदा रोक लगा रही हो, तो तुम्हारा घर का कोई भी इंसान का दायित्व नहीं बनता है कम से कम तुमको बोले कि नहीं काजल तुम गलत बोल रही हो, जो हो गया सो हो गया, हटाओ, तुम यार अनमैरिड हो, वो शादीशुदा व्यक्ति है फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो, सिर्फ और सिर्फ तुम कंट्रोवर्सी की ना कि खेसारी लाल यादव अगर हमको छोड़ देगा तो हम पागल हो जाएंगे, कौन काम देगा, नहीं देगा, ना पैसा मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, ना ऐड मिलेगा, ना कुछ, ऐसे तुमको लोग कुछ पूछ नहीं रहा है जब से भैया तुमको साइड किए, तो तोरा में जब कुछ है ही नहीं है तो भाई क्यों रखेगा भाई, अब जब तुम लॉयल खुद नहीं हो तो तुम दूसरे से लॉयल का कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकती हो, तुम अगर लॉयल रहती तो 20 जगह चलती बवाते, शर्म आता है तोर मानसिकता पर, छी इतना गिरी हुई लड़की तू निकली रे, जितने भी खेसारी आ रही हो खेसारी पर सब लोग इसको अनफॉलो करो और सब लोग इसको बाइकआउट करो, जो भाई का नहीं वो किसी का नहीं, और सुन आकांक्षा पूरी तुमसे ना लाख गुने बेहतर है, इसलिए आकांक्षा पूरी के भी तुम बीच में जो ला रही हो ना गंदा कर रही हो काम, अपना तो तुम करियर खराब कर ही ली, अपना चरित्र तुम खराब कर ही ली, तमाम और मॉडल के क्यों तुम नाम खराब कर रही हो, और लोगों को क्यों तुम बदनाम कर रही हो, और सब जितने भी है ना वो लोग अपना मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों में कुछ एबिलिटी है, कुछ क्वालिटी है, तभी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके पीछे पैसा लगा रहा है, तोड़ा में जब कुछ रहवे नहीं करेगा तो कब तक तू भाई के नाम को तू बवाते चलेगी, आज जब तक भाई तुम्हारे ऊपर हाथ रखा था, जब तक तुम भाई के दिखावे के लिए लॉयल थी तो तुमको लोग पूछता था, जब तू खुद भाई के लिए लॉयल नहीं रही तो तू किसके लिए लॉयल रहेगी रे, अगर तू सोच रही है कि हम जिसके लिए लॉयल है बहुत अच्छा है तो भाई थैंक यू काजल रघवानी, तो सुन काजल रघवानी जिसके लिए तू लॉयल है वहीं जाओ, भाई के बारे में लंग फन बोलबे धांस दबू अंदर तक ले, बर्दाश्त अब ना हो तो अब तोरा एक दिन भी और एक एक वर्ड के काउंटर जवाब दे तू, अब तू तू पूरा नेशनल टीवी पर बैठ के तू इज्जत उछालते हमारे भाई के, तो तोरा ना पूरा खानदान के हम लोग इज्जत उछाल दो, क्या पूरा खानदान मिलकर ना खेसारी लाल यादव को नोची हो तुम लोग, पूरा एकदम पैसा शोहरत गाड़ी घोड़ा बंगला सब खेसारी लाल यादव के बदलो तुम्हारे खानदान के पास है, और तुम उसी व्यक्ति को मौत की दुआ मांगी है, तुम सब देखते हैं जिसके लिए तुम गड्ढा खोदोगे ना स्वयं उसी गड्ढा में ना भगवान तुमको गिरा देंगे, ना बहुत जल्द गिर जाओगे क्योंकि तू ऐसी गिरी हुई महिला है, ठीक इसी धरती से ले तू रहे थोड़ा चल जा लो पताल लोक में, जो तुरा शोहरत पैसा दे लो इतना प्यार दे लो एक थरिया में खियाया वही थरिया में छेद कर दिया, शर्म ही लड़की संस्कार की बात करती है, थोड़ा तो बेटर होगा ना कि संस्कार के बात मत बतियो, तो संस्कार पूरा दुनिया जान गए कि तू कितना बड़ा संस्कारिक है।